ऐसा इनको बोलो, तारा और सितारा को पहले तय कर लें, इनकी मुंह बोली माँ से पूछ लें कि मैं कौन सी पार्टी का हूँ, तब मुझे बताएं। आप गूगल में यूट्यूब में जाइएगा, तारा सितारा की माँ डालिएगा, अब सब आ जाएगा। तारा कौन है, सितारा कौन है, और माँ मुंह बोली कौन है। सारी पार्टी देख ली, अब की बार खेत ली। अभी भगवानपुर में रावत जी बता रहे थे आपके बारे में बात करते हुए कि बीजेपी ने लगाया है आपको उनके पीछे, जिसका उन्होंने जो उस टाइम नुकसान हुआ था 2016 में जब उनकी सरकार गिरी तो मुझे बीजेपी ने लगाया था, और 2020 में जब मैंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ सीबीआई कराई थी हाईकोर्ट से भ्रष्टाचार के मामलों में, उनका इस्तीफा हो गया था, तब मुझे कांग्रेस ने लगाया था। ऐसा इनको बोलो, तारा और सितारा को पहले तय कर लें, इनकी मुंह बोली माँ से पूछ लें कि मैं कौन सी पार्टी का हूँ, तब मुझे बताएं। मुंह बोली माँ से क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या मतलब मुंह बोली माँ? आपको पता है कौन है मुंह बोली माँ इन दोनों की? तो आपने इनको नाम दिया तारा सितारा। आप गूगल में यूट्यूब में जाइएगा, तारा सितारा की माँ डालिएगा, अब सब आ जाएगा। तारा कौन है, सितारा कौन है, और माँ मुंह बोली कौन है। अच्छा सर, उस पर अब फाइनली निशान आ गया है केतली तो, और आज पहला प्रोग्राम है केतली का निशान आने के बाद, तो अभी कितनी थोड़े दिन बाकी रह गए हैं, तो किस तरह से आप इसे पूरे को कवर कर पाएंगे लोकसभा? सारी पार्टी देख ली, अब की बार खेत ली, यही नारा रहेगा। यही नारा रहेगा। चुनाव चिन्ह केतली के आने के बाद आज उमेश कुमार जी कलियर दरगाह, साबिर पाकी दरगाह पर पहुँचे, वहाँ चादर पोशी की और दुआएं मांगी, और कलियर के इस इलाके के भारी जनसमर्थन को देखते हुए लग रहा है कि इस बार ये जो कलियर विधानसभा है, जो कांग्रेस का कैडर वोट रहा है, कि इसमें उमेश कुमार सेंध लगाने में कामयाब हो जाएंगे। और कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद जी शायद सोच भी ना पाएँ कि उन्हें इस बार कलियर के इस इलाके से कितना नुकसान होने जा रहा है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में ये देखना है कि उमेश कुमार जी कितने कामयाब हो पाते हैं इस तरफ से ये वोट खींचने को लेकर, क्योंकि अपने प्रोग्राम में वीरेंद्र रावत जी जो कि कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनका कहना ये था कि भीड़ का इकट्ठा होना एक दूसरी बात है और उस भीड़ का वोट में बदल जाना दूसरी बात। उनका कहना है कि उमेश कुमार के साथ सिर्फ भीड़ है ना कि वोट।